हेलो बच्चों, अलजेब्रा में जो लास्ट क्लासेज अपनी रही उससे अब आगे चलते हैं और कुछ फिक्स पैटर्न पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आज उन पे कुछ डिस्कशन करेंगे। इन पे पैटर्न फिक्स रहते हैं, ओरिजिनली सॉल्व करेंगे इसको एक बारी, उसके बाद एक टेक्निक इसकी बना लेते हैं। ये कुछ जो बड़े प्रश्न होते हैं उनमें शामिल होते हैं। तो देखते हैं, एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरुआत करेंगे, लास्ट में आपको एक ट्रिक बना देंगे इसकी। x माइनस ए ओवर x प्लस बी प्लस x माइनस बी ओवर सी प्लस ए x माइनस सी ओवर ए प्लस बी इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, पहले कॉन्सेप्ट वाइज इसका हल करते हैं। x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, इस तीन को इधर ले आओ और एक एक करके बांट दो सब पे। x माइनस बी सी प्लस ए माइनस वन प्लस एक्स माइनस सी ए प्लस बी माइनस वन बराबर क्या बच गया, जीरो बच गया। इस तीन के टुकड़े किए, एक इधर और एक इधर, इतने का एलसीएम लिया तो कितना आया, बी प्लस सी क्या बन गया, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस, इधर का एलसीएम लिया तो सी प्लस ए बना एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस ए यहाँ तक, प्लस इसका एलसीएम ए प्लस बी तो एक्स माइनस सी माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो हो गया। देखो दोबारा से एलसीएम ले लो, या दोबारा से एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम क्या करते हैं ऊपर सब में देखो क्या कॉमन है, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 ओवर बी प्लस सी प्लस 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर सी प्लस ए प्लस 1 ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो साबित हुआ। अब देखो बच्चा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, अब चाहिए क्या। देखो शुरुआत में मैंने लिखा कि x निकालो, या तो कहेंगे x निकालो, ये नंबर एक है, नंबर दो ये भी कह सकते थे, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी प्लस में c प्लस a प्लस में 1 ओवर a प्लस बी कितना होगा, दोनों में से कोई एक सवाल ही हमसे पूछेंगे, एक सवाल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आने के बाद देखो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है। अब मानो मेरे को ये निकालना है तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ, जीरो डिवाइडेड बाई, और इस केस में नॉन जीरो होगा, ए बी सी जो भी डिजिट यहाँ पे जो भी लिखा है ये सब मिलके नॉन जीरो होगा। तो जीरो के नीचे समथिंग डाल दिया तो सारा ही जीरो हो गया, यानी कि फाइनली बना एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी आ गई। और देखो, अगर ऐसा होता कि अपने को ये पूछना होता तो मैं इसको यहाँ भेज के इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो, यानी कि x की वैल्यू आ गई, x बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, और अगर इसकी वैल्यू पूछते तो कितना आ जाता, जीरो हमारा आंसर आ जाता, ये बात रहती, ऐसे काम करेंगे इस पर। और अब इसमें ना एक सिमेट्री देखेंगे, एक पैटर्न फिक्स कर लेंगे इसका हम, कैसे, मैंने देखा ये सॉल्यूशन के बाद, मैंने देखा x माइनस ए बी प्लस सी माइनस बी सी ए प्लस बी बराबर 3, ये तीन ना बड़े सोच समझ के यहाँ पे लिखा होता है। अब देखो, अगर ये ऊपर से हटा दिया 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई 1 बाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको 1 कह दो, इसको 1 कह दो, इसको 1, और ज़्यादा लॉजिक ना समझो, उस 1 1 1 को उधर भेज दिया तो 3 माइनस 3 बराबर 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। x जाते हो तो देखो x बराबर है क्या होएगा, a b c आ गया, और यहाँ भी हमने ध्यान दिया माइनस रहा था b प्लस सी, तो वो माइनस कैसे अरेंज हुआ, ओरिजिनली सॉल्व करके आप देख लो। तो अब इस पे एक ये ट्रिक बन जाएगी, क्या 1 बाई दिस 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 पूछेंगे तो 0, और अगर x पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, x a b c, आपको जी माइनस माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। अब मैं ओरिजिनल सॉल्यूशन को ना ऑपरेट करके दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, देखो दोनों को अब डील करता हूँ। नाउ स्टार्ट, x माइनस ए बी प्लस सी एंड सो,
दो चीज़ें पूछेंगे, या तो x या तो ये। देखो ये पूछेंगे तो जो नीचे लिखा वही पूछेंगे, तो ऊपर ऊपर को एक बना के उधर भेज दो, दिस इज जीरो, करेक्ट। अगर x पूछेंगे तो नीचे वाले को भूल जाओ, और ये बन गया माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उधर जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। इस तरीके से अपने को काम करना है। और अब इस पैटर्न पे देखो थोड़ा सा आगे काम करते हैं और देखते ही आप आंसर दे पाओगे आप। चलिए बच्चों देखो, मानो आपकी बारी ये ना हो कि ये होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ भी ये बराबर थ्री, तब क्या होता। अब देखो मैं आपको बोलता एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी सबको उधर भेज दिया, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरा आंसर होगा। ये एक पैटर्न पे बेस्ड फिक्स प्रश्न होते हैं इस तरीके से। मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा आपकी बारी, सोल्व करना है तो वही नियम फिर से आप करो। देखो इधर एक माइनस, इधर एक माइनस, इधर के माइनस, एलसीएम लोगे, फिर एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, वही प्रोसीजर जो अभी करके बताया था वो यूं का यूं बन जाएगा, राइट। हम करेंगे नहीं ऐसे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यही आ गई। और बदलता है इसको देखो अभी थोड़ा सा, अगर ये होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ देखो ये तीन नहीं बदल रहा, बड़े सोच समझ के इन्होंने लिखा हुआ है, तीन नहीं बदल रहे हैं, फिर से वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, तो क्या करें, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, है ना जी। अब इस तरीके को जब भी ऐसे शक्ल के प्रश्न देखो आप ऑपरेट कर पाओगे। डन, वन थिंग मोर, अगर यहां पे स्क्वायर ना हो और एक्स पे स्क्वायर हो तब ये देखेंगे अभी ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस सी, प्रोसीजर सबका सेम है, एक्स स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए प्लस बी प्लस सी आंसर हमारा है। डन, देखो लास्ट बारी एक और चीज ऑपरेट करके देखता हूँ, और ये फिक्स पैटर्न आपके लिए एलिजिबल होगा, एक्स प्लस हो प्लस हो प्लस हो और तब ये चीज़ हमसे पूछी जाए तो क्या बात करेंगे। अब की बारी x बराबर है प्लस ए प्लस बी प्लस सी उधर भेज दो, तो इट इज़ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो इट इज ए प्लस बी प्लस सी आ गया x की वैल्यू। देखो इन जैसे प्रश्न के लिए अपने को यूँ ऑपरेट करना चाहिए, इस तरीके से डील करना चाहिए, लिखने वाले प्रश्न नहीं बनना चाहिए इनको। फाइनली बहुत छोटे रास्ते से कम समय में काम करके निकलो, ये आपके लिए तैयार हो, राइट। ऐसे ही कुछ और जो फिक्स पैटर्न पे बेस्ड है वो प्रश्न और मैं अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सबने बहुत बारी पढ़ा है बहुत बारी देखा है, क्या इफ ए स्क्वायर बराबर है बी प्लस सी कोमा बी स्क्वायर बराबर है सी प्लस ए कोमा सी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी, और तब वैल्यू पूछते हैं, देन बताइए व्हाट इज वन बाई वन प्लस ए वन बाई वन प्लस बी और वन बाई वन प्लस सी कितना होगा। कई सारे रास्ते होते हैं इसके, आप सबने भी देखा होगा वैल्यू पुट कर दो। चलो मैं प्रॉपर एनालिसिस इसका एक करके रखता हूँ, देखना लास्ट में क्या रिजल्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर देते हैं, ए को टू पुट कर देते हैं, बी को टू पुट कर देते हैं, सी को टू पुट कर देते हैं। देखो दो का स्क्वायर करोगे तो वही टू प्लस टू विच इज़ ट्रू, ये बात सही है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, तो इसका मतलब ये बात भी सही होगी, वन प्लस टू वन प्लस टू और वन प्लस टू वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, फाइनली आंसर कितना आ गया वन आ गया, है ना, हम जानते हैं। लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, इस पर और डिस्कशन अभी मुझे करना है आपसे। वैल्यू पुट करके आप निकल जाओ आपका आंसर आ गया सही बात, लेकिन एक विशेष नियम तैयार करें। देखो यहाँ से क्या करते हैं,
ये जो 1/1 + a है इसको a से गुना a से भाग कर दो, जो 1/1 + b है इसे b से गुना b से भाग कर दो, 1/1 + c से c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड कर दो। देखो ऊपर क्या बना, a ओवर a स्क्वायर प्लस a प्लस b ओवर b स्क्वायर प्लस b, गुना करके मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, c/c² + c। वट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, यहाँ रख दो, तो क्या बना a ओवर a प्लस बी सी, बी ओवर a प्लस बी प्लस सी, सी ओवर a प्लस बी प्लस सी। फिर से एलसीएम ले दिया तो ये आया a प्लस बी, ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन हुआ, ये भी आपको आना चाहिए। हर तरीके से मैं अलजेब्रा में आपको दुरुस्त करूँगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, ट्रिक भी बताऊँगा, कैसे आपको फास्ट आंसर तक पहुँचना चाहिए करेक्ट होते हुए, वो सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। लेकिन एडवांस में आपको ओरिजिनल काम एक बारी ज़रूर करना चाहिए ताकि पता लग जाए हम जो काम कर रहे हैं वो किस बेस पे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। वैल्यू पुट कर दो, ओरिजिनल सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी, राइट। देखो बच्चों, इस प्रश्न का ना अब ओवरऑल वैल्यू पुट करके ओरिजिनल सॉल्व करके आपने देखा, एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन और भी रास्ते से पूछा जा सकता है। प्रॉपर इसका एक डिस्कशन करके ना लास्ट में एक खास नियम तैयार करेंगे। देखो अगर ऐसा दिया है तो वैल्यू पुट करके या ए से गुणा से भाग करके आपने इस प्रश्न को निकाल लिया, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन की दूसरी शक्ल बनाऊं तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो कोमा, इफ लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए बराबर जीरो कोमा सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो, और तब वैल्यू दोबारा से यही पूछिए 1/1 + a 1/1 + b 1/1 + c ऐसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो शकल चाहे ये दिखाएं चाहे ये दिखाएं, बात तो इतनी की इतनी है, सवाल तो वही का वही। तीसरी बारी इस सवाल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, या सबको इकट्ठा ही लिखो, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 कोमा सी स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, और तब ये सवाल पूछा 1/1 + a 1/1 + b 1/1 + c कितना होगा। तो यहाँ से भी देखो हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बी सी, सॉरी बी सी नहीं बी प्लस सी। तीनों की शक्ल को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट तो यही निकल रहा है सब में कि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, यहाँ से भी ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, यहाँ से भी ए स्क्वायर बराबर है बी प्लस सी, और वही प्रोसीजर से ए से गुना ए से भाग करके हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके या शुरू में ही डिजिट पुट करके अपना आंसर 1 ले आते हैं। तो फिर इसमें खास बात क्या हुई, इसमें नई बात क्या हुई, देखो अब मैं यहाँ एक सिमेट्री डेवलप कर रहा हूँ बच्चों। एक सवाल ये हो गया, दूसरा प्रश्न लिख रहा हूँ, इफ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ 1/2 + a 1/2 + b 1/2 + c कितना होगा। या एक सवाल मैं अगर आपसे अब ये पूछूं, इफ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ 1/3 + a प्लस 1/3 + b प्लस 1/3 + c कितना होगा। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट की, ये शकल देखी, ये शकल देखी, आंसर देने का तरीका अपने को मिल गया, सही बात। मैं अब इन तीनों को एक साथ डील करूंगा और ये आपके लिए विशेष बात बनने वाली है। देखो पहचान करो, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, ये सब 1 ही है, तो पूछा भी क्या है 1/1 + a 1/1 + b 1/सिमेट्री। तो जो देखो जो यहाँ दे रखा था वही लिखा, जो यहाँ दे रखा था वही लिखा, जो यहाँ दे रखा था वही लिखा। इस केस में आंसर होता है
जो यहाँ दे रखा है उसका 1/2 यानी कि 1, जो यहाँ दे रखा है यानी कि 1/2, जो यहाँ दे रखा है यानी कि 1/3, एक फिक्स सिमेट्री पैटर्न बेस्ड पे ये हो गया। आपको अगर ऐसी शक्ल दिखती है, देखो ए बी सी है, बी सी ए है, घूम रहे हैं, एक की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, जो डिजिट सामने दिया होता है देखो उसी के प्लस में, उसी के प्लस में यहाँ लिखते हैं, उसी के प्लस में लिखते हैं। तो अब मेरा फाइनल आंसर जो यहाँ डिजिट दिया है उसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, राइट। देखो सारा काम बच जाएगा, शक्ल अलग अलग दिख रही हैं लेकिन अपने को एक ही सेकंड में आंसर दिखेगा। ये वो प्रश्न है बच्चे जिनके लिए बोला जाता है कि देखो और सिर्फ आंसर दो। ये सारी स्टडी करने के बाद, ये डिजिट एनालिसिस करने के बाद, ये पूरा समझने के बाद अब आपको पता लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि इसका रेसिप्रोकल हम क्यों करते हैं। बट फाइनली पेपर में आपको ऐसे ही ऑपरेट करना है इसको, राइट। अभी और कुछ ऐसे फिक्स पैटर्न बेस्ड है उन पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। इस चीज़ को आप एक दो बारी अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको देखते ही प्रश्न की शक्ल याद आएगी और पहचान पाओगे कि कैसे काम करना है, राइट। एक और देखो ऐसा ही पैटर्न फिक्स लिखता हूं, इफ ए स्क्वायर बराबर है बी वाई प्लस सी जेड कोमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस में ए एक्स वाई कोमा सी स्क्वायर बराबर है ए एक्स प्लस में बी वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बाई ए प्लस एक्स प्लस वाई बाई बी प्लस वाई प्लस जेड बाई सी प्लस जेड कितना होगा, ये चेक करते हैं। देखो अब नई एक सिमेट्री एक फिक्स पैटर्न पे ही बात कर रहे हैं, वो नया प्रश्न क्या बना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स ए प्लस एक्स वाई बी प्लस वाई सी जेड बाई सी प्लस जेड, और फिर इसमें भी एक सिमेट्री डेवलप करेंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं, फिलहाल इस एक्स बाई ए प्लस एक्स को ए से गुना और ए से भाग कर देते हैं। पहले को ए से गुना ए से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरे को बी से करेंगे तो बी वाई बी स्क्वायर प्लस बी वाई, तीसरे को जेड से करें सी से करेंगे तो सी जेड डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस सी जेड, जेड सी लिख दिया मैंने जो। अब ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा लो, यहाँ रखोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बनेगा, प्लस यहाँ भी सी जेड ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी जेड बनेगा, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये भी बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड दैट इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट वाइज हल हुआ बच्चों। और अब इसी बात को जैसे पीछे हमने एक फिक्स सिमेट्री बनाई है वैसे ही देखते ही आप कैसे आंसर दोगे वो बात मैं करने वाला हूँ, राइट। चले पहले तो इसकी शक्ल बदल के बता रहा हूँ, देखो ये पूछ के ये बता के ये पूछ लो, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे दूसरी शक्ल, ए स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड बराबर है बी स्क्वायर सी जेड प्लस में ए एक्स वाई, ए एक्स बराबर है सी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बाई ए प्लस एक्स प्लस वाई ओवर बी प्लस वाई प्लस जेड ओवर सी प्लस जेड कितना होगा, वही तो सवाल हुआ। या ये कह सकते हो इस दोबारा से इसकी शक्ल ऐसे बनाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर है बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस सी जेड माइनस ए एक्स बराबर है सी स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर है 0, तीनों की वैल्यू 0 है तब ये कितना होगा। तो देखो तीनों को आप चेक कर लो, तीनों को आप चेक कर लो, एक ही मतलब है, एक ही चीज आप निकाल रहे हो, जैसे आपने सोल्व किया वैसे ही सॉल्यूशन किया तो आंसर कितना आ गया, 1 हमारा आंसर आ गया था,
राइट। अब देखो क्या करते हैं, एक पहचान करा रहा हूँ, इस और इस जैसे दो तीन प्रश्न एक साथ लिख के फिर यहाँ मैं एक ट्रिक आपके लिए, एक सिमेट्री आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ। दोबारा से देखो सारे को लिख के बताता हूँ और कैसे काम करना है। इफ ए स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड बराबर है बी स्क्वायर बाई सी जेड प्लस में ए एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स प्लस वाई ओवर बी प्लस वाई प्लस जेड ओवर सी प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, जो कि हमने अब अभी सोल्व कर लिया, राइट। इसी पे बेस्ड दूसरा एक प्रश्न देखते हैं। यू क्यू सिमेट्री, ए स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड बराबर है बी स्क्वायर सी जेड प्लस में ए एक्स बराबर है सी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर टू। आपके बारे वन नहीं, आपके बराबर टू है। और देन एक्स ओवर ए प्लस टू एक्स प्लस वाई ओवर बी प्लस टू वाई प्लस वाई ओवर अब सॉरी ये वाई आएगा जेड ओवर सी प्लस टू जेड कितना होगा। देखो यहाँ जो वैल्यू थी वन, तो वन एक्स वन वाई वन जेड, यहाँ वैल्यू है टू, टू एक्स टू वाई टू जेड होगा। देखो ये जो सामने लिखा हुआ है इसको a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड एक बारी कर लेते हैं, ये बनेगा ए एक्स ए स्क्वायर प्लस में टू ए एक्स प्लस बी वाई बी स्क्वायर प्लस में टू बी वाई प्लस में सी जेड ओवर सी स्क्वायर प्लस में टू सी जेड, ये बना ए एक्स डिवाइड बाई। देखो यहाँ से मैं इसको अगर कनेक्ट करूँ तो ए स्क्वायर बराबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा टू ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड, ये भी टू ये भी टू ये भी टू, तो दो बाहर ले लिया मैंने, प्लस बी वाई सिमेट्री से लिख दो टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सी जेड टू ये भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड रहेगा। दोबारा से देखो इसके एलसीएम अगर हम ले दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और ऊपर भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर कितना आ गया वन बाई टू, राइट। हम करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन देखो अब मैं आपको प्रॉपर एक सिमेट्री बना देता हूँ, एक और प्रश्न लिख के। इनफैक्ट इफ ए स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड बराबर है सी स्क्वायर सी जेड प्लस ए एक्स बराबर है सी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर थ्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बाई ए प्लस थ्री एक्स प्लस वाई बाई बी प्लस थ्री वाई प्लस जेड बाई सी प्लस थ्री जेड। देखो सामने वन था तो यहाँ वन एक्स था, टू था तो टू एक्स था, थ्री था तो थ्री एक्स था, एंड सिमेट्री, तो जो भी सामने लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल हमारा आंसर होता है ये वन, ये वन बाई टू और ये वन बाई थ्री हमारा आंसर होगा। सेकेंड भर के सवाल देखो ये बनेंगे अगर इस तरीके से आप इनको डील करोगे तो, राइट। अब ऐसे ही एक और फिक्स पैटर्न है उसको डील करते हैं। ये सवाल सिर्फ शक्ल देख के आंसर देने वाले बनते हैं, आगे भी ऐसा ही कुछ लिखने वाला हूं। देखो इफ ए ए प्लस टू बराबर है बी बी प्लस टू बराबर है सी सी प्लस टू बराबर है
ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ 1 ओवर ए प्लस 2, 1 ओवर बी प्लस 2, 1 ओवर सी प्लस 2 कितना होगा, ये चीज चेक करते हैं। देखो तीनों आपस में बराबर हैं। एक बात तो ये है कि हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 अगर पुट कर देते हैं तो देखो ये 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, ये भी 3, ये भी 3 और सामने भी 3, तो वैल्यू डाल दो, इट इज़ 1 1 प्लस 2, 1 1 प्लस 2, 1 1 प्लस 2, 1 बाई 3, 1 बाई 3, तो फाइनल क्या बन गया, 1 हमारा आंसर बन जाएगा इस तरीके से, राइट। तो देखो क्या देखते हैं, वैल्यू पुट करके भी हो सकता है, एक सिमेट्री बना रहा हूँ, दो तीन एग्जांपल एक साथ डिस्कस करके तब लिखेंगे। नंबर एक तो ये था। नंबर दो, ए ओवर ए प्लस 5 बराबर है बी ओवर बी प्लस 5 बराबर है सी ओवर सी प्लस 5 बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ 1 ओवर ए प्लस 5, 1 ओवर ए प्लस सॉरी सॉरी 1 ओवर बी प्लस 5 प्लस 1 ओवर सी प्लस 5 कितना होगा। नंबर तीन, ए ओवर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी बी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी सी प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस कितना होगा। देखो तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बड़ी मेहनत होएगी, हर बारी वैल्यू अलग अलग पुट ना करके देखते हैं। देखो ए बी सी यहाँ फिक्स 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 है क्या फिक्स नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए काम करेंगे। तो देखो क्या काम करते हैं, तीनों बराबर हैं, जैसे यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ वैल्यू पुट करें तो ठीक, ना पुट करें तो भी अपना काम चल सकता है। कैसे, एक बारी में देखो इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए ए प्लस एक्स बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ भेज दो, तो ए ओवर ए प्लस बी बराबर है 1 बाई ए प्लस एक्स, इसकी जगह लिखा ए ओवर ए प्लस बी प्लस सी, बाई सिमेट्री इसकी जगह लिखेंगे बी ओवर ए प्लस बी प्लस सी, सी ओवर ए प्लस बी प्लस सी, और देखो ये पूरा काम पड़ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 1 पे, दोनों ऊपर नीचे बराबर है तो 1 हो गया, है ना। हम ओरिजिनल ऑपरेट ही नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं ए ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस बराबर है, तीनों आपस में बराबर है ना। देखो इसका 1 बाई 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 सब पूछा हुआ है, सबका फिक्स बात रट्टी रटाई बात हो गई, सबका आंसर 1 आएगा, फिक्स बात हुई, राइट। ऐसे ही एक और सीरीज बनाऊंगा जिसमें आप ऐसे फिक्स करके आप आंसर दे पाओगे, उनको भी देखना। देखो ये अगर ऐसे ना हो कि यूं होता ए ए प्लस 1, बी बी प्लस 1, सी सी प्लस 3, ये 2 ये 3, पर पूछेंगे भी ऐसे फिर तो 1 2 और ये 3, अब कितना होगा। देखो पहचान कर लो, अब भी वही होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके नीचे, वो इधर, तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि देखो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं और ये और यही पूछ रहे हैं 1 बाई करके, तो हमारा फिर से आंसर 1 ही आएगा। लास्टली एक एग्जाम्पल और, इफ ए ओवर ए प्लस 7 बराबर है बी बी प्लस 112 बराबर है सी ओवर सी इंटू सी प्लस 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ, लिखने से पहले आप बता दोगे जी यही तो आप पूछ रहे हो, ए प्लस 1 बाई 7 बी प्लस 112 प्लस सी 1 बाई 7 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि फिर से आप चेक कर लो, देखो इसको इसको बराबर रखोगे तो क्या होएगा, ए बाई ए प्लस बी प्लस सी इज 1 बाई ए प्लस 7, सिमिलरली ये इधर और ये इधर एंड सो ऑन, आप आंसर दे पाओगे।
तो फाइनली इस सीरीज की आपको पहचान हो गई कि ऐसे फिक्स पैटर्न पे हम आंसर किस तरीके से प्रोसीड कर पाएंगे, राइट। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ 1 over 1 minus b, 1 minus c, 1 over 1 minus b, 1 minus c, 1 minus d, plus 1 over 1 minus c, 1 minus d, 1 minus a, 1 minus b। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करना है। तो देखो क्या करते हैं, एलसीएम ले लो, 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c, 1 minus d, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 minus d यहाँ बचा। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि ब्रैकेट लगाओ ही मत, सिर्फ 1 minus d यहाँ पे जाएगा, तीनों कैंसिल होंगे तो कौन बचेगा, बी सी डी और यहाँ ये डी है, तो यहाँ बचेगा 1 minus a, यहाँ सी है डी है ए है तो 1 minus b और अगले में सर्टनली 1 minus c बचेगा। तो बोलो 4, 1, 2, 3, 4, माइनस कॉमन लिया तो कितना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c और ये इधर 1 minus d होना चाहिए, 1 minus d, और इसकी वैल्यू कितनी देर के शुरू में 4, दैट इज इक्वल टू 4 minus 4 बाई, कुछ भी लिखा हो बाई हमें क्या मतलब है, 0 ही आ गया, कुछ भी था ये नीचे 0 तो है नहीं, तो 4 minus 4 करके हम अपना आंसर 0 दे पाएंगे। और देखो बच्चों ये मेंस में आया हुआ था, आपको थोड़ा सा इसमें से ऑपरेट करना था, राइट। एक और एग्जांपल इस स्टाइल का लेते हैं जिसमें भी यूं ही एलसीएम लेके आपको काम कर देना है। चलिए इस एग्जाम्पल पर देखते हैं, ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 3x, दैट 1 by x minus a, x minus b, x minus c, x minus a क्या होगा, आप इसके एल से मिला दो, x minus a, x minus b, x minus c। तो देखो ए बी गया तो यहाँ क्या बचा है, x minus c, बी सी गया तो x minus a, ए सी गया तो x minus b, ऊपर कॉमन लिया तो बच गया ए प्लस बी प्लस सी और बाहर ये एक बारी x, दो बारी, तीन बारी, और नीचे x minus a, x minus b और x minus c। देखो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बोलो ऊपर 3 minus 3x हो गया कैंसिल, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या जाएगा, 0, इस तरीके से आंसर बन जाएगा, राइट। ऐसे नेक्स्ट पे देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई x minus 1, y minus 1, z minus 1, x minus 1 की वैल्यू क्या, कुछ इफ एंड बट गिवन नहीं है, सीधे सीधे ये इस पे बात करने लग गए। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई, मैं इसको क्या लिख दूँ, इसको लिखूँ मैं 1 by xy, इसको लिखूँ y by z, इसको लिखूँ 1 by zx। अगली बारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो नीचे एलसीएम कितना आ गया, xyz, तो यहाँ बचेगा z, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, बट फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड ये ऊपर घूम के जाएगा तो xyz, और नीचे बन जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड,
ये कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स वाई जेड आ जाएगा, राइट। ओके चलो स्टॉप। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए बाई वन माइनस ए प्लस बी ओवर वन माइनस बी प्लस सी ओवर वन माइनस ए इक्वल टू वन, देन वन बाई वन माइनस ए प्लस वन बाई वन माइनस बी वन बाई वन माइनस सी कितना होगा। इनको बच्चों देखो सिमेट्रिक फ्रैक्शन बोलते हैं दोनों, इसको देखो और एक बार इसको भी, ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी, ए की जगह बी बी की जगह सी सी की जगह वापस ही आ गया, यहाँ ए वन माइनस है बी वन माइनस बी, यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है, इधर भी तीन दिए तो इधर भी तीन दिए, इनमें से या तो कुछ कम करके पूछ रहे हैं या इसमें कुछ ज़्यादा करके पूछ रहे हैं, ये इन जैसे प्रश्न की पहचान है। देखो पहले इनको एक बारी ओरिजिनल सोल्व करेंगे उसके बाद इनका एक नियम बनाएंगे। इसमें देखो ये दोनों पेपर में पुराने आए हुए प्रश्न हैं, इनमें पहले से हमने देखा है पढ़ा है सॉल्यूशन किया है तो याद ही होगा पता ही होगा, एक एक जोड़ देते हैं। मुझे किसी तरीके से ए हटाना है यहाँ से, ये प्लानिंग करनी थी, वो ए कैसे हट सकता है भाई, इस ए को नीचे ले आओ फिर वो कहाँ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या इसके बराबर माइनस ए किसी तरीके से लिखवा दो, तो कैसे लिखवाया जाएगा वही नियम मैं बता रहा हूँ। ए वन माइनस ए यहाँ प्लस वन कर दिया, प्लस बी वन माइनस बी यहाँ प्लस वन कर दिया, प्लस सी वन माइनस सी यहाँ प्लस वन कर दिया, एक दो तीन यहाँ जोड़े तो सामने भी तीन जोड़ दिए, और एलसीएम लिया तो वन माइनस ए प्लस ए, ये पहले इनफेक्ट ये होना चाहिए था, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होता तो a प्लस वन माइनस ए प्लस वन माइनस बी, तो होता b प्लस वन माइनस बी एल सी एम वन माइनस सी, तो होता c प्लस वन माइनस सी बराबर फोर, एक दो तीन कैंसिल और ये बचा वन बाई ए वन बाई बी वन बाई वन माइनस सी इज इक्वल टू फोर, हमारा आंसर आ गया, राइट। बताओ यहाँ पे तो एक एक प्लस करके हम निकल गए, अब सोचो यहाँ एलसीएम लेने से काम चलेगा कि वन प्लस करने से चलेगा कि वन माइनस करने से चलेगा, इन जैसे प्रश्न की ना ये बड़ी मुसीबत होती है कि कब क्या करें ये सोचते हैं। देखो ओरिजिनली अगर इन पे काम करना है तो मैं कहता हूँ इन दोनों साइड को ए प्लस बी प्लस सी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड सी प्लस ए प्लस सी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, और ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, बराबर रहा। अब यहाँ जो प्लान करना है ना वो बड़े सोच समझ के करना है, देखो मेरे को सकल बनानी है ए स्क्वायर बाई बी सी की, इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस इसको इकट्ठा कर दो, मतलब ए बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, इसके बाद ज़्यादा मुसीबत मत लो और सिमिट्री से फिक्स कर दो। अगले में देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए आएगा क्योंकि पहले बी से गुणा कर दिया, प्लस बी इंटू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, देखो ये सी प्लस ए है। सिमिलरली सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी तो बनना ही बनना है क्योंकि इस सी से पहले मल्टीप्लाई, और प्लस सी ए प्लस बी यहाँ और ए प्लस बी यहाँ, और सामने तो ए प्लस बी प्लस सी है ही, देखो इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, बचे अपना ये ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर है ए बचा बी बचा सी बचा, उधर जाके नेगेटिव हो गए तो ए बी सी में से ए बी सी घटेगा, तो आंसर क्या आ गया जीरो, हमारा इस केस का आंसर आएगा ये आप कह सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है,
इन दोनों प्रश्न को एक साथ में डील करूं, देखो यहाँ पे वन प्लस करो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए से मल्टीप्लाई करो, ये चीज़ मैं पहचानूं कैसे? अब देखो दो प्रश्न अपने सामने आए, दोनों का मैंने प्लानिंग कर दी, जब इसी स्टाइल से तीसरा प्रश्न मैं लिखूंगा या पेपर आपके लिए लिखेगा तो या तो इन्हीं में से कोई नियम लग जाए तब हम ऐसा ऑपरेट कर पाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि इसमें क्या जोड़ना क्या घटाना है। प्रश्न इजी है कि मुश्किल है, इस बात पर डिपेंड करता है कि देखते ही मुझे पता लग जाए व्हाट इज द प्रोसेस, इसको किस प्रोसेसर से सोल्व करना है, फास्ट कैसे कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन तो नहीं, इसमें फास्ट कैसे आप काम कर पाओगे, तो मेरे लिए इजी हो जाते हैं। दो को देख के पता लग गया हाँ ऐसे करते हैं, तीसरा भी लिखूंगा उसमें ना तो ये लगेगा ना तो ये लगेगा। सो देखो क्या करते हैं हम, इन जैसे प्रश्न के लिए एक फिक्स नियम बना लेते हैं, इनको सिमेट्रिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना, एक जैसे नियम से लिखे हुए हैं, है ना। तो क्या करते हैं, सबके लिए ये चीज लागू रहती है, एक दो तीन बराबर है, तो क्या करो a ओवर वन माइनस ए को वन, ये वन और बाई एक दो तीन फिक्स पुट कर दो, इस तरीके से शुरुआत करो और यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थ्री ए इक्वल टू वन माइनस ए, इसको यहाँ ले जाओ, फोर ए इक्वल टू वन, तो बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई फोर आ गई, इसको बाद में देखेंगे, सबकी यही आएगी इनफेक्ट, अब वैल्यू पुट कर दो, देखो ए की वैल्यू भी वही आएगी, बी की भी वही आएगी, सी की भी वही आएगी, तो एक की निकाल के तीन से गुना कर देते हैं, वन ओवर वन माइनस वन बाई फोर और प्लस वाई तो उठा के तीन से गुना कर देंगे, तो देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, वन ओवर ये क्या बन गया नीचे, थ्री बाई फोर और बाहर मल्टीप्लाई तीन है, तो बन गया फोर बाई थ्री इंटू थ्री, तो मेरा आंसर कितना आ गया, फोर ही आ गया। अब एक बात को तरीके से देखो, आइडिया कैसे मैं लगाऊंगा कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, और ये बात आप अपने पे भी अप्लाई करके देखो। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने के बजाय मैं क्या बोलता हूँ, ए बाई बी प्लस सी को ना वन रख दो, वन बाई एक दो तीन, तीन सामने जो भी डिजिट हो इनकी लिखने की जिम्मेवारी हमारी नहीं, हम उसके नीचे जितने गिनती के फ्रैक्शन है, दो है तो बाई दो, तीन है तो बाई तीन, छः है तो बाई सिक्स, तो बन गया थ्री ए बराबर है बी प्लस सी। देखो यहाँ तो ए की वैल्यू निकल गई थी, यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं निकली है, तो भी घबराओ मत, पहले से ये आया तो दूसरे से क्या आएगा, थ्री बी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी आया तो बी सी प्लस सी आएगा। सिमिलरली इसको लिखते हैं, सिमिलरली थ्री सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बन जाएगा, राइट। अब देखो इधर का तीन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है दो ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप इसको काट दोगे यहाँ से इसको तो तीन बराबर दो, विच इज एब्सर्ड थिंग, तीन बराबर दो थोड़ी होता है, नियम क्या निकला, इसको यहाँ ले जाओ तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, जीरो आ गया। देखो बच्चों ये गिवन नहीं था, ये हमने सोल्व करके लिखा है, इसलिए यहाँ वन वन माइनस टू पुट मत करना, वो कब पुट करते हैं जब ये गिवन होता, तो अब करें क्या, देखो इसको लिख लो आप a इंटू ए बाई बी प्लस सी, इसको b इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री बाई स्टार्टिंग, तो बन गया a बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस सी बाई थ्री, और एलसीएम 3 है तो a प्लस बी प्लस सी, और ये रही वैल्यू इसकी, तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो देखो ये जो सिमेट्रिक फ्रैक्शन होते हैं, यहाँ तीन है तो वहाँ भी तीन पूछेंगे, यहाँ तीन चार तो वहाँ भी चार पूछेंगे, या तो इसमें से कुछ कम करके पूछेंगे या इसमें से कुछ ज़्यादा करके पूछेंगे, इस तरीके से आपको देखना है। और ये जो प्रोसीजर अभी बताया ना, सामने जो डिजिट है उसके नीचे एक दो तीन चार जितने भी है किसी एक को रख लो, या तो वैल्यू आ जाएगी या तो एक सिमेट्री बन जाएगी, इससे प्रश्न सोल्व होने की 100% गारंटी होगी। आप नए सवाल पे जब पेपर में नया आएगा आपके मेंस में, तो हाँ सोचोगे कैसे सोचोगे कि वन प्लस कर दूं गुना कर दूं भाग कर दूं, सोच पाए तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड कर देना, ना के लिए जवाब मैंने आपको बता दिया है, आप इससे आंसर श्योरली दे पाएंगे, आपको गारंटी तो होगी। हाँ देखो क्या जोड़ना घटाना है गुना भाग करना नहीं पता लगेगा, बट आंसर तो आप दे ही पाओ इसका, राइट, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए और कोई प्लानिंग भारी पड़ेगी, यही सिमेट्रिक फ्रैक्शन से इनको आंसर देने का प्रयास करो।
अभी एक नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा में। देखो, हमने अभी ये सीखा, हम ये जानते हैं कि इफ x प्लस वन बाई एक्स अगर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को हमने तैयार कर लिया कि ये होता है, या x माइनस वन बाई एक्स अगर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इसको भी तैयार कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस टू होता है। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा इस पर और काम करते हैं। देखो कैसे, अगर मैं अब आपसे ये पूछूं इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव, देन द वैल्यू ऑफ एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एक्स फोर कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा डिजिट लेते हैं, मतलब दो पावर नहीं, अब चार पावर में पहुंचने जा रहे हैं। तो देखो, इससे आप बना पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस टू यानी कि सेवन। अब इसको कैपिटल एक्स या ए कंसिडर कर लो, फिर उसका स्क्वायर करके वहाँ पहुँच जाओगे, यह भी सही है। तो फिर से स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर फोर पावर इज इक्वल टू सेवन टू माइनस टू, यानी कि ये 47 बन जाएगा, राइट। बात नहीं ये नहीं है, अब बात नहीं ये है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर सेवन है, वहां से मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स कैसे बनाऊं, यहां से यहां कैसे गए थे, पहले इसका स्क्वायर किया उसमें से दो घटा दिया तो सामने आ गया। अब यहां से यहां वापस आओ, मतलब नौ पे कैसे पहुंचो, सात में दो जोड़ दिया, वापस अंडर रूट ले दिया तो ये आ गया। तो रिजल्ट क्या निकला, आपकी बारी पावर बढ़ानी नहीं, आपकी पावर डाउन करनी है, दो से पावर एक पे लेके आना, तो क्या करें, जो सामने नंबर है उसमें दो जोड़ के इसका क्या ले दो अंडर रूट, यानी कि तीन आ गया। देखो ये वही प्रोसीजर है जिसमें हम ये बोलेंगे दो इधर जोड़ दो, दो इधर जोड़ दो, एक्स से गुना एक्स से भाग, प्रोसीजर सेम आ जाएगा। फिर देखो, तो अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ना 23 है, व्हाट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो क्या करोगे, इसमें दो जोड़ के और अंडर रूट ले दोगे तो पाँच आएगा। वापिस जाके देख लो, पाँच का स्क्वायर में से दो घटाओगे, राइट। अभी बात चार की करनी है, इसी को रिपीट वापिस रिवर्स ऑर्डर में लेके आऊंगा। इफ एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज 47, इफ एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज 47, तो मुझे बताओ कि एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा। जो स्टेप करके आए वही रिपीट कर लो वापिस, इसमें दो जोड़ के अंडर रूट से ही आएगा, इसमें दो जोड़ के अंडर रूट से ही आएगा। चार पावर से डायरेक्ट एक पे नहीं आएंगे, चार से पहले दो पे आएंगे। तो देखो, पावर डाउन की तो एक्स स्क्वायर क्या 47 में 2 प्लस करके अंडर रूट ले दो, 49 का 7 आ गया। इससे एक स्टेप ये, एक स्टेप और डाउन किया तो x प्लस वन बाई एक्स 7 पे 2 प्लस कर दिया तो 9 आ गया, अंडर रूट तो लिया ही नहीं 3 आ गया। तो देखो, यहाँ से यहाँ जाओ और यहाँ से वापस यहाँ जाओ, ये रास्ता आपको मिल गया। अब इस पे थोड़ा सा आपको काम करना है, इस पे कुछ बढ़िया प्रश्न बनने वाले हैं। देखो कैसे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ ना एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से 23 है और मुझे, मैं ऐसे दोनों ही बना सकता हूँ, एक्स प्लस वन भी बन सकता है और एक्स माइनस वन भी बन सकता है। अगर प्लस बनाना तो क्या करते हैं, उसमें दो जोड़ के अंडर रूट ले लेते हैं तो पाँच आता है। माइनस बनाना तो क्या करेंगे, उसी में दो घटा के अंडर रूट नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। दो पावर से ये भी बन सकता है, दो पावर से ये भी बन सकते हैं, और वापस करके देख लो, x प्लस वन बाई एक्स फाइव है तो वहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर में से दो घटाते हैं। माइनस हो तो वहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, देखो लिख रखा, इसके स्क्वायर करेंगे तो 21 आएगा, दो जोड़ेंगे तो 23 आएगा। देखो, चार पावर से जब दो पावर पे आते हैं तो बीच में माइनस नहीं आता कभी भी, चार पावर से हमेशा दो पावर पे ही आते हैं,
और पॉजिटिव ही आते हैं हर बारी। दो पावर से अपनी मर्जी होती है, अपनी च्वाइस होती है, या तो प्लस पे आ जाओ या तो माइनस पे आ जाओ, राइट? ऐसा सोचते हैं। देखिए अब एक प्रश्न बनाते हैं जो कि इन सब छोटे छोटे पॉइंट को जोड़ के बनता होगा। मैंने लिखा इफ एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर इज इक्वल टू 5 to 7 देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। चार पावर से पहले दो पावर पे आएंगे, कैसे आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 to 7 प्लस टू का अंडर रूट 529 का अंडर रूट 23। एक स्टेप और डाउन करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स करेंगे तो 23 में दो जोड़ के फिर ले देंगे तो 5 आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। एक बात ये पूछी, अच्छा ये भी तो पूछ सकते थे व्हाट इज x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या कर देते पहले तो यही लेके आते फिर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा, मतलब अंडर रूट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट? ये काम कर सकते हैं ऐसे। अब देखो इस पॉइंट पे कुछ और विशेष प्रश्न बनने वाले हैं, उनकी तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही को आप इसलिए कहता हूँ इफ एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज इक्वल टू 5 to 7 देन द वैल्यू ऑफ एक्स सिक्स माइनस वन बाई एक्स सिक्स क्या होगा, इसको चेक करते हैं। देखो चार पावर से सीधा सीधा माइनस छः पावर जाने का अपने पास कोई रास्ता नहीं है, तो पहले तो इसको देखो मैं ऐसे लिखूं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब फिर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब तब तो ये बन सकता है ना। अच्छा इस पे जाने से पहले मुझे कुछ और चीज़ें आपको डिस्कस करनी होगी। पहले प्लस का एग्जांपल ले लेते हैं, पहले प्लस पे ही काम करते हैं। कैसे करेंगे? पहले इसको एक स्टेप डाउन किया तो वन बाई एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा 5 to 7 प्लस टू यानी कि 23। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर 23 है तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दो यहीं पे, तो क्या आएगा एक्स सिक्स प्लस में वन बाई एक्स सिक्स बराबर है, याद दिलाऊं सामने की पावर 3 माइनस 3 गुना में वही नंबर, ये हमारा आंसर आएगा जो कि होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। If x plus 1 by x is 3, then the value of x minus 1 by x. देखो कुछ एक बात सुनो अभी, मैंने एक पावर से दो पे पहुंचा दिया, दो से चार पे, एक से तीन पे, चार से वापस आते हुए हम 6 तक आ गए, लेकिन जो बीच में मैंने एक चीज छोड़ दी थी माइनस वाला नहीं कराया था उसकी तैयारी पहले करनी पड़ेगी। अब कोई पावर नहीं बदलनी, अब कोई सिंबल बदलना बीच का। देखो क्या काम करते हैं, पहले ओरिजिनल प्रोसेस ऑपरेट करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस 2, सॉल्व मत करो इसको। इससे हम प्लस पे भी जा सकते हैं माइनस पे भी, देखो प्लस तो पहले से पड़ा है माइनस पे जाना है, इधर भी माइनस टू किया इधर भी माइनस टू किया, यहाँ x से गुना किया यहाँ x से भाग किया, बोलो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर जो कि बन गया 3 स्क्वायर माइनस 4। अच्छा ले दो अंडर रूट, x माइनस वन बाई एक्स क्या बन गया 3 स्क्वायर माइनस 4, सामने वाले डिजिट का स्क्वायर ये उधर गया तो माइनस एंड 4 इज फिक्स। इससे इधर जाओ या इससे इधर जाओ दोनों के लिए नियम बन गया, तो क्या देखो 3 का स्क्वायर 9 में से 4 गया तो अंडर रूट 5। हम पूरा ऑपरेट ना करके देखो x प्लस वन बाई एक्स अगर 3 दे रखा है और x माइनस वन बाई एक्स पूछा है तो बोलो सामने का स्क्वायर होगा ये उधर गया तो माइनस एंड 4 इज फिक्स, याद रखना पावर नहीं चेंज कर रहे हैं सिर्फ सिंबल चेंज कर रहे हैं, तो उठा के अंडर रूट ले दो ये 5 आ गया अंडर रूट। उल्टा करो इसका, मैंने आपको बताया x माइनस वन बाई एक्स इज रूट 5 तो बताना है व्हाट इज x प्लस, सिमिलर
सामने वाले का अंडर रूट, अंडर सॉरी स्क्वायर, सामने वाला रूट 5 है उसका स्क्वायर ये उधर गया तो प्लस एंड 4 इज फिक्स। तो देखो इसका स्क्वायर 5, 4, 9 तो 3 आ गया। राइट, क्या नियम बना? नियम नोट जो करना है वो ये करना है, इफ एक्स प्लस 1/x इज ए तो x माइनस 1/x बनेगा ए स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, नंबर एक। और नंबर दो, अगर इसको उल्टा करना है, x माइनस 1/x अगर b है तो x प्लस 1/x जाने के लिए बी स्क्वायर बाई 4 और ऊपर से सॉरी यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ अंडर रूट। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब पावर ना चेंज करके सिर्फ बीच का सिंबल चेंज करें। राइट, और एक बात इसमें बाद में आपने कोई सीखना पड़ेगा तो अभी सीख लेते हैं। देखो ये 4 के साथ ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो डिजिट होगा वो यहाँ भी अपीयर होगा, नीचे वाले x के साथ जो कोफिशियंट होगा वो यहाँ भी होगा। अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी पड़ेगी, एग्जांपल में पड़ेगी। जो ऊपर वाले x का कोफिशियंट है वो 4 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन जब एक एक है तो फ़र्क नहीं पड़ता। सेम सेम टू टू होते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग अलग होते तो फ़र्क पड़ता ना, तो हम पहले से ये तैयारी करके रखते हैं। तो देखो पहले छोटे छोटे दो एग्जांपल इन पे लेता हूँ, कोफिशियंट के साथ और बगैर कोफिशियंट के साथ, और फिर वापस उसी एग्जांपल पे आएंगे जो बीच में थोड़ा सा ब्रेक किया था मैंने। बोलो इफ एक्स प्लस 1/x इज 4 तो बताएं व्हाट इज एक्स माइनस 1/x। देखो ये सामने का स्क्वायर होगा, ये उधर गया तो माइनस होगा, ऊपर से अंडर रूट होगा। कोफिशियंट का ध्यान दो, एक एक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया 12, और 12 अंडर रूट को हम 4 गुना 3 यानी 2√3 लिख सकते हैं। ओके जी, अगर मैंने बोला होता x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज x प्लस 1/x, इसको 3 ले लेते हैं, x माइनस 1/x 3, तो व्हाट इज x माइनस 1/x। सामने का स्क्वायर होगा, ये उधर जाके जुड़ भी जाएगा, ऊपर से अंडर रूट, 9 4 13 सोल्व नहीं होगा, ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता 3x प्लस में 1/2x इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1/2x। सामने का स्क्वायर 2, ये उधर गया तो माइनस 4 इंटू ऊपर वाला डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, ऊपर से अंडर रूट, 3 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 6 ये आ गया माइनस अंडर रूट 2। हालांकि देखो डिजिट यहाँ पे इमेजरी नंबर आ जाएगा, रूट टू आयोटा आएगा, नॉर्मली ऐसा नहीं आता है। ये जो डिजिट मैंने सामने 2 रखा ये नहीं रखना चाहिए आपको, प्रोसीजर से मतलब है, प्रोसीजर सेम रहेगा, यूं कहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सही बात ये है कि अपनी पढ़ाई में इमेजरी नंबर नहीं आता है, यानी प्रश्न ये होना चाहिए 1/2x इज इक्वल टू से 3, तो तब पूछा 3x माइनस 1/2x, तो ये कितना आना चाहिए, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ऊपर वाला डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, 3 2 6, 9 में से 6 गया तो अंडर रूट 3 हमारा आंसर होगा। अब प्रोसीजर पे पकड़ रखो, देखो डिजिट जो भी होंगे सर्टेन होंगे, फिक्स लिखे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, तो देखो इन पे ये फॉर्मूले के तौर पे हमने बना लिए, इन पे बेस्ड अभी कुछ और बढ़िया प्रश्न देखते हैं। कैसे, इफ 5x प्लस में 1/4x इज 3, देन द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर क्या होगा। अब काम आएगा, देखो बात, सबसे पहले देखो डायरेक्ट इसी से ये तो आ नहीं सकता, पर क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5x प्लस 1/4x ब्रैकेट 5x माइनस 1/4x ए प्लस बी ए माइनस बी करके ऐसे लिखेंगे। ओके जी,
ये तो है तीन, ये बनाना है, इससे ये बनाना है, तो देखो 5x माइनस 1/4x क्या बनेगा, सामने का स्क्वायर बनेगा, ये उधर गया तो माइनस 4, 4 इज फिक्स, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर से अंडर रूट, चार से चार कैंसिल, बोलो तीन का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गया तो ये बचा 4 और 4 का यहाँ पे अंडर रूट 2 लेके यहाँ फिट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आपको ये पहचान करके रखनी है, राइट। एक्स पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स पावर 5 इज 3, ये को देखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ x पावर 20 प्लस 1 बाई एक्स पावर 20 कितना होगा, ये चेक करते हैं। तो देखो यहां से अब यहां पहुंचना है आपको, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक्स टेन प्लस 1 बाई एक्स टेन इज इक्वल टू कितना, 3 का स्क्वायर, अगर ये a है तो ये a स्क्वायर बन गया, ये x है तो ये x स्क्वायर बन गया और प्लस में 2 यानी कि 7। फिर से अगर इसका एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो बनेगा x 20 प्लस 1 बाई एक्स 20 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर और अब की बारी उधर जाके घटेगा 2 तो कितना बन जाएगा, 47 बन जाएगा। तब ये बात करते हैं, राइट। तो देखो पावर यहां सिर्फ इतना सा रोल प्ले कर रही थी लेकिन बेसिक पॉइंट हमारे वही के वही रहे थे, ओके। चलिए बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है अपना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ लेके जाऊँ, इसको यहाँ लेके जाऊँ तो बोलो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखना इसका कैसे अब सिचुएशनल यूज करते हैं। और एक बात, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको इधर और इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। इन दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनको यहीं लिख लेने दो और एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। मैंने ये लिखा 1 बाई 4 क्यूब रूट प्लस 2 क्यूब रूट प्लस 1 इज व्हाट। अभी बच्चों देखने से ही ऐसा लगता है कि ये स्क्वायर रूट का क्यूब रूट का प्रश्न है, लेकिन देखो इसमें अलजेब्रा कैसे इंट्रोड्यूस होता है, क्यों ये अलजेब्रा में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो क्या करते हैं, पहले बेसिक ओरिजिनल इसका देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 2 पावर 1 बाई 3, इसको प्लस 2 पावर 1 बाई 3 और प्लस 1, यूँ क्यों शक्ल बनाई, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा अभी मेरे को, इसको नीचे इसको बाहर कर दिया तो 2 पावर 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 1 बाई 3, इसके साथ एक गुना कर दें से तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस में जो ये 1 है इस 1 का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। और अब मैं पहचान रहा हूँ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ये रहा 1 बाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पावर 1 बाई 3 है, a इंटू बी और बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। अब ये मुझे नहीं पता होगा तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई, जो कि a ये है 2 पावर 1 बाई 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, a डिवाइड करेंगे और ये फॉर्मूला बनेगा। तो मैं तो पहले से तैयार हो गया, a माइनस बी, ये रहा a, ये रहा b, यानी कि 2 पावर 1 बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी क्यूब, 2 पावर 1 बाई 3 का 3 माइनस 1 बाई 3, तो ऊपर तो बन गया क्यूब रूट 2 माइनस 1 और नीचे ये से ये कैंसिल, दो में से एक गया तो एक, बस तो यही आंसर आ गया। तो ऐसे सिस्टम में हम यूँ पहचानेंगे कि जो ये चीज़ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ये लिखी हुई है, ये है तो a प्लस बी ए क्यूब बी क्यूब, ये है तो a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पे डिपेंड करता है ना, इस फॉर सिंबल पे, ये माइनस है तो यहाँ दोनों प्लस आएंगे, ये प्लस है तो यहाँ दोनों माइनस आएंगे, डिजिट तो भाई ए बी ए बी ए क्यूब बी क्यूब वही के वही पड़े यहाँ पे, है ना।
ये चीज़ को देखेंगे। अच्छा, अगर ये चीज़ अब ओरिजिनल मेरे को समझ आई तो अब से मैं क्या करूँ, एक पहचान करा रहा हूँ। देखो अब आपकी एक प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा मैं और लिखता हूँ, वन प्लस में थ्री क्यूब रूट प्लस में नाइन क्यूब रूट, एक और लिखवा रहा हूँ वन प्लस में फोर क्यूब रूट, एक दो चार, एक तीन नौ, एक चार सोलह क्यूब रूट, एक फिक्स पैटर्न मिलेगा। देखो ये आपको इस तरीके में यो राइट। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगने वाला है, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो जब यहाँ b की वैल्यू एक है तो सीधे सीधे इसको ट्रीट a कर दो, ये रहा a प्लस बी। अब आप देख, a ये और b आप देख लो प्लस में चलना है कि माइनस में, माइनस में चलना है। तो क्या करें, a माइनस बी यानी कि क्यूब रूट टू माइनस वन, नीचे नीचे होता है इन दोनों का, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका क्यूब करेंगे दो बचेगा, इसका एक ही बचेगा, यानी कि सिंपल इन दोनों का डिफरेंस एक मत लिखो। अगली बार लिखोगे तो क्यूब रूट थ्री माइनस एक बाई टू, तीन माइनस एक, इसको लिखोगे क्यूब रूट थ्री माइनस एक बाई थ्री। देखो एक फिक्स ट्रिक, एक फिक्स पैटर्न आपको फॉलो करना मैंने बता दिया है, इसको बड़े ध्यान से देखें। इस सिंबल पर डिपेंड करता है ये सिंबल प्लस है तो दोनों माइनस माइनस आते हैं, और माइनस होगा तो प्लस आएंगे। जैसे माइनस का तो आपने देख लिया, मैं प्लस पर भी एक बारी बात कर लूँ। अगर यही प्रश्न ऐसे लिखा होता वन बाई क्यूब रूट फोर माइनस क्यूब रूट टू और प्लस वन, तब क्या होता, देखो ये है तो ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, क्यूब रूट टू प्लस वन नीचे दो एक तीन, इसको लिखता तो वन बाई क्यूब रूट नाइन प्लस क्यूब रूट थ्री प्लस वन, प्लस नहीं ये तो सॉरी 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 इधर माइनस होगा, दैट इज इक्वल टू ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ए प्लस बी क्यूब रूट थ्री प्लस वन नीचे तीन और एक चार। सिमिलरली जब इसकी बात मैं करता तो क्यूब रूट सिक्सटीन माइनस क्यूब रूट फोर प्लस वन होता तो आंसर क्यूब रूट फोर प्लस वन बाई फाइव होता। ये तो फिर से बिल्कुल वैसे और वही प्रश्न बन गए जिनका शकल देख के डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है। पहचान कर लो इसकी, ये ए बी होता है, पहचान कर लो इसकी, ये ए बी होता है, प्लस है तो माइनस दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ माइनस है तो दोनों जगह प्लस होएगा। तो क्या काम किया, अगर मैं समझूँ इधर से ही माइनस है, ये दोनों एज इट इज ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, क्यूब की वजह से हट जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ पहले ऊपर एज इट इज, नीचे फिर डिजिट डिजिट का जोड़, पहले ऊपर एज इट इज, नीचे डिजिट डिजिट का जोड़, पहले ऊपर एज इट इज, नीचे डिजिट का जोड़। जब यहाँ होगा प्लस तो दोनों जगह माइनस माइनस आता है, ये दोनों में देखो ए माइनस बी और नीचे माइनस करेंगे दो ही तो माइनस हो जाएगा राइट। सिमिलरली यहाँ पे और सिमिलरली यहाँ पे करके आप जो काम निकाल सकते हैं आप राइट। होप सो यू एंजॉय द पार्ट।